हाथों पर रचने वाली खूबसूरत मेहंदी के तो आप दीवाने होंगे ही, लेकिन इसके सेहत और ब्यूटी के फायदे आप जानोगे तो आप इसे और भी पसंद करने लगेंगे। दोस्तों, मेहंदी जो है एक कुदरती पौधा है जिसके पत्तों, फूलों और बीजों साथ ही साथ छालों में भी औषधीय गुण पाए जाते हैं। त्योहारों और उत्सवों के पहले दिन सुहागन स्त्रियों के लिए हाथों पर मेहंदी का श्रृंगार सुंदरता एवं सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही हम अपनी हथेलियों में मेहंदी का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने बालों पर मेहंदी का प्रयोग कर रहे हैं, बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए। लेकिन इन दो उपयोगों के अलावा भी मेहंदी के बहुत सारे फायदे हैं, चिकित्सीय फायदे हैं हमारी सेहत के लिए। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं फायदों के बारे में बात करेंगे कि मेहंदी के पत्तों के क्या क्या फायदे हैं और उसका हम उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ अगर आप हिमाचली हर्बल में नए हैं दोस्तों, तो हिमाचली हर्बल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। अब बात करते हैं मेहंदी के स्वास्थ्य वर्धक फायदों के बारे में। मेहंदी के पत्तों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हाथों में मेहंदी लगाने से कुप्रभाव युक्त शक्ति भोज्य पदार्थों पर अपना कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। दूसरा उसका फायदा है उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हो तो अपने तलवों और हथेलियों पर मेहंदी का लेप लगाना आपके लिए बेहद ही लाभप्रद होता है। इससे अनिद्रा दूर होकर रक्तचाप सामान्य होने लगता है। अगर आपको गर्मी में जलन होती है या नक्सीर होती है तो आपको ताजा हरी पत्तियों को पानी के साथ पीसकर लेप बना लेना है, और वो आप लेप लगाते हो अपने तलवों पर तो गर्मी की जलन में आराम मिलता है और साथ साथ नक्सीर भी बंद हो जाती है। मेहंदी के जो फूल होते हैं दोस्तों, वो उत्तेजक और हृदय के बल को देने वाले होते हैं। इसका काढ़ा हृदय को संरक्षण करने तक नींद लाने के लिए दिया जाता है। जिसे नींद की प्रॉब्लम है या जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए मेहंदी के फूल बेहद ही फायदेमंद होते हैं। जो मेहंदी के बीज होते हैं दोस्तों, उसका उपयोग हम बुखार और मानसिक रोगों में करते हैं। खूनी दस्त में बीजों का भी उपचार है। साथ ही साथ जो मेहंदी के पेड़ की छाल होती है उसका प्रयोग पीलिया या बड़े हुए जिगर या तिल्ली, पथरी, जलन, कुष्ठ और चर्म रोगों में किया जाता है। और मेहंदी के पत्ते सिरदर्द, खांसी, जुकाम, खुजली, कुष्ठ रोग, नेत्र, तिल्ली तथा मासिक धर्म संबंधी रोगों में बेहद ही लाभकारी होते हैं। मेहंदी के चूर्ण में आप जरा सा नींबू का रस मिलाकर हाथों एवं पैरों के नाखूनों पर इसका लेप करने से नाखूनों का जो खुरदरापन है वो समाप्त हो जाता है, उनमें चमक आती है। पैरों में जलन तथा एड़ियों के फटने पर यह लेप बेहद ही लाभप्रद होता है। अगर आपकी स्किन कहीं से जली हुई है या छाले पड़े हुए हैं, उस जगह पर मेहंदी के चूर्ण में थोड़ा सा शहद मिलाकर लगाने से तत्काल राहत मिलती है। मुंह में छाले हो गए या गले में सूजन है तो मेहंदी के पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से बेहद ही लाभ मिलता है। मेहंदी के पत्तों के स्वरस के साथ मिश्री मिलाकर सेवन करने से पेशाब भी साफ आता है। तो दोस्तों, देखा आपने मेहंदी कितनी ज्यादा स्वास्थ्यप्रद है हमारे लिए। ना कि मेहंदी हमारी सुंदरता में चार चांद लगाती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। अगर आपके आसपास भी कहीं पे मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है तो उसका आप अवश्य लाभ लीजिए, क्योंकि मेहंदी एक ऐसी चीज है दोस्तों, एक तो आपको लाभ देती है मेहंदी, साथ ही साथ मेहंदी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल आपके साथ एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।